अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं और आज 4th पार्ट्स करते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स 2x+1 डिवाइडेड बाय x-1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स यहां से यहां पे ग्रेटर देन 1 है, 1 भी नहीं हो सकता यहां पे और 1 से छोटा भी नहीं है, ये गिवन है किसमें, फंक्शन में। और हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, हमने एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना है और हमने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को वेरीफाई करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट करूंगा, नेक्स्ट जो है वो फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो सेंटेंस की फॉर्म है वो भी मैं पढ़ देता हूँ, वो है फाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन जो गिवन है इसके लिए F defined below, ये F defined है, find करो ये वाला part और ये वाला expression, इसको verify करो। चलें इसको हम solve करते हैं। तो आपको पता है inverse of a function find out करने के लिए हम क्या तरीका कार इख्तियार करते हैं, ये मैं function दोबारा लिख रहा हूं। सबसे पहले इस फंक्शन को पुट करना है y के इक्वल इस f ऑफ x को, देन इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, ये सेकंड स्टेप होगा। ये आ जाएगा x y माइनस वाई इक्वल्स टू 2x-1। हमने इसमें से x की वैल्यू को निकालना है y की फॉर्म में, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहां से ना एक्स वाई इसको इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा -2x और ये y जब इधर जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम मजीद सॉल्व करते हैं, अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, y -2 रह जाएगा इक्वल्स टू y -1 है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है y -1 ओवर y -2। यहां तक ओके है ना, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हमारा सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में आपको पता है एक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई के गिवन हो, हमें पता है ये इसके इक्वल होता है, तो एक्स यहाँ पे होता है एफ इनवर्स ऑफ वाई, क्योंकि ये वैसे भी फंक्शन वाई की फॉर्म है ना, तो ये y -1 ओवर y -2 आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज क्लियर कर लें, मैं यहां पे ना पॉइंटर चेंज करके आपको ये बता रहा हूं, यहां पे 2x+1 आएगा, +1 था यहां पे +1 रहेगा, इधर +1 रहेगा, यहां +1 रहेगा, ये वाले वैल्यू प्लस रहेगी। देन थर्ड स्टेप ये हो गया, फोर्थ स्टेप में हम रिप्लेस करते हैं
जहां जहां वाई हो वहां वहां एक्स, उसकी रीजन क्या है? अदरवाइज हमारा यहाँ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। हमें कहा गया है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां एक्स पुट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ए पार्ट। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या करना है? एफ इनवर्स है और एफ है, दोनों का कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। और कंपोजिशन फाइंड आउट करने के बाद हमने प्रूव करना है कि ये एक्स के इक्वल है। ये सी वाला पार्ट, ये चेक करें, इन दोनों को एक्स इक्वल प्रूव करना है। मैं एक पार्ट कर दूंगा, एक पार्ट आपने खुद करना है, इनमें से एक साइड आपने खुद सॉल्व करना है। तो मैं चले कोई सा कर दूं, मैं एफ को एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर देता हूँ। एफ इनवर्स क्या है? यहाँ पे गिवन है फंक्शन एक्स प्लस वन, सॉरी हमें पहले एफ पुट करना है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ हमारे पास क्या था? टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब यही वैल्यू हमें एफ इनवर्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पुट करनी है। इधर देखें, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे करेंगे? इधर करेंगे, इधर करेंगे, ये वैल्यू को रिप्लेस। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी। देखें, टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ऊपर प्लस वन है, प्लस वन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू है तो आएगा टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस टू। चलिए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? अब एलसीएम लेना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में आएगा एक्स माइनस वन एलसीएम और टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस वन एलसीएम आएगा, टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस टू आ जाएगा। ये एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट, यहाँ पे टू एक्स इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे वन प्लस का वन माइनस का कैंसिल आउट। चेक कीजिए, यहाँ पे टू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ पे एक चीज का लिहाज करना जरूरी है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हमने वो वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ये चेक करें, जब यहाँ पे माइनस है एलसीएम लेते हुए, यहाँ पे माइनस आएगा और इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए इसको, इस स्टेप को दोबारा कर देते हैं। तो प्लस वन एज इट इज आ जाएगा, माइनस टू इंटू यहाँ पे माइन एक्स माइनस वन है, ये डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? टू एक्स और ये थ्री एक्स बन जाएंगे, और डिनोमिनेटर में टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा। ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ये माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स से कैंसिल आउट। इधर है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल है थ्री एक्स ओवर टू प्लस वन थ्री, थ्री थ्री से कैंसिल आउट, आंसर में एक्स आ गया। तो एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स कंपोजिशन एक्स, तो आंसर हमारे पास एक्स आ गया। ऐसे ही आप एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करेंगे, वो भी हमारे पास एक्स इक्वल जाएगा। तो ये इन दोनों को इक्वल रखेंगे,
तो इस तरह से f इनवर्स कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल्स टू f कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x के प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर है, क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स। और स्टेटमेंट पढ़े जरा, कहता है फाइंड इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। तो हम क्या करेंगे विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, या फंक्शन की डोमेन और रेंज यहाँ पे लिखेंगे। तो विदाउट फाइंडिंग इनवर्स एक इस तरह से पॉसिबल है, हम दो तीन स्टेप्स करने के बाद यहाँ पे सीखेंगे। पहली बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में है फंक्शन f देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये f ऑफ x गिवन है x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे जो फंक्शन की डोमेन होगी और जो फंक्शन की रेंज होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें मिल जाएगी f इनवर्स की डोमेन और रेंज, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, सिंपली इतना सा काम है। तो अभी आप पहले इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखें, देन हम बताते हैं कि फंक्शन जो है ना f इनवर्स उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। चलिए इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। आप बताएं डोमेन ऑफ f ऑफ x, जरा सोचें कि डोमेन ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल होगी। डोमेन ऑफ फंक्शन f, इसको d ऑफ f भी लिखते हैं, तो ये मेरे पास होगी, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव साइन। तो ये चेक करें जरा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि मेरे पास ना यहाँ पे x प्लस 2 जो है ना वो बड़ा होना चाहिए 0 से, या 0 भी हो सकता है, x प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर ये लेस होगा तो स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव जो है वो स्क्वायर रूट क्या बना देगा, आयोटा बना देगा, तो आयोटा नहीं होना चाहिए, ये डोमेन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। अब इसी को एक्सपेंड कर लें, x ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो यही इसकी डोमेन है। ठीक है, इसमें सेट के फॉर्म में अगर आप लिखें तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर इक्वल टू 2, ये लिख लें, या ये लिख लें 2, यहां से इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे और इंटरवल में 2 इंक्लूड होगा, माइनस 2 देन माइनस 2 और साथ में इन्फिनिटी आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए ना। ये डोमेन होगी। अब रेंज, रेंज ऑफ एफ या आर ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। तो आर ऑफ एफ देखें क्या होगी, देखें आप इसमें जीरो पुट करें, यहां पे एक्स यहां पे जीरो पुट करें, फिर माइनस टू, सॉरी पहले माइनस टू पुट करेंगे तो जीरो आएगा, वन पुट करें तमाम वैल्यूज कर सकते हैं, टू पुट करें, जीरो करें, वन टू थ्री फोर फाइव तमाम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो ये एफ के आंसर्स क्या आएंगे, एफ के आंसर्स क्या आएंगे, जो जो हम यहां से एक्स की वैल्यूज ना माइनस वन माइनस टू माइनस टू से वैल्यूज पुट करेंगे तो इसके आंसर जो है वो अबाव द एक्स एक्सिस आएंगे, एक्स एक्सिस से ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, मैक्सिमम जीरो आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव नंबर्स होगी विद जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी कह लें, या अगर सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड यहाँ पे एंड आएगा एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव नंबर्स।
तो ये हमारी डोमेन और रेंज होगी एफ की। अब सिमिलरली डोमेन एंड रेंज ऑफ जो एफ इनवर्स है वो उसके उलट हो जाएगी। तो ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ये हमारी रेंज होगी, रेंज जो एफ की है वो इसके इक्वल आएगी, जीरो टू इंफिनिटी। इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें आपकी आपकी मर्जी है। रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, माइनस टू टू इंफिनिटी। तो इस तरह से हम विदाउट फाइंडिंग इनवर्स रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। जी तो बच्चों उम्मीद है आपने अच्छे फर्स्ट वाले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, फर्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट करने के लिए पहले डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे। तो डोमेन ऑफ एफ देखें तमाम रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, सिंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यही है ना इसकी स्टेटमेंट एक्स प्लस थ्री। ये थर्ड पार्ट है जी, ये क्या है थर्ड पार्ट है बुक के लिए, मैंने जैसे भी लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिख लें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर है डोमेन है ये रेंज ऑफ आर रियल ऑफ रियल वैल्यूड रियल नंबर्स के में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये सेट की फॉर्म है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे रेंज, रेंज ऑफ एफ फाइंड आउट करनी है। तो रेंज ऑफ एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो ये किसको अप्रोच करेगा। तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा इनवर्स वाला टच यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए इसे y के बराबर लेट कर रहे हैं और x प्लस थ्री यहाँ से लिख रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x प्लस थ्री इसके इक्वल होगा y के, वन ओवर y के उलट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर y माइनस थ्री, तो वन माइनस थ्री y। अब देखें x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। y यहाँ पे क्या है, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो रेंज फिर ये यही होगी हमारी कि r ऑफ f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट जीरो, जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ वो आ जाएंगे हमारे पास, और ये इसकी रेंज होगी। तो अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिख लें और रेंज ऑफ एफ इनवर्स लिख लें, दोनों का आंसर डोमेन क्या होगी, ये वाली रेंज जो है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डोमेन जो है एफ की वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है, और जो रेंज है एफ की वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होती है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे डोमेन रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। अब मजीद सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन तो इसकी डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगी, वो कैसे होगी, ये देखिए x नॉट इक्वल टू 4 सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस डिफरेंस ऑफ 4 x नॉट इक्वल टू, रेंज फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें दोबारा से y को लिखना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको इस तरह से लिख लेंगे, दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस वन
यहाँ पे फोर है, ये फोर बाय आ गया, फोर बाय यहाँ से क्या जाएगा, फोर बाय माइनस वन ओवर, यहाँ से इसको ले जाएंगे सिर्फ टू फोर बाय माइनस वन ओवर बाय माइनस वन, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है वो y is not equal to 1 होना चाहिए, यहाँ पर रेंज लिखते हैं रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 1, ठीक है ये हमारी होगी रेंज। रेंज भी आ गई। अब हम आंसर लिखेंगे हमारा जो अल्टीमेटली है वो क्या है, तो मेरा फैक्टर नॉइस कितनी है वो ये है, रेंज का फैक्टर नॉइस कितनी है वो ये है, ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर टू का। यहाँ पे पार्ट नंबर टू कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट जो है इसका, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट वो करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लें, x माइनस फाइव का स्क्वायर एंड x ग्रेटर इक्वल टू फाइव, यहाँ पे कंडीशन गिवन है y या f of x equals to x minus 5 का स्क्वायर एंड x ग्रेटर इक्वल टू 5 है, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में इसकी डोमेन और रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज उसने डोमेन उसने खुद दी हुई है, डोमेन ऑफ f और वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, कंप्लीट नहीं होगा इस तरह से लिखना ज्यादा बेहतर है, इस तरह से लिखना सेट के फॉर्म में लिखने, रेंज ऑफ एफ हमने फाइंड आउट करनी है और रेंज ऑफ एफ जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेंज ऑफ एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना है कि हम जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं उसका आंसर जो है वो क्या क्या आ रहा है। तो फाइव पुट करने से आंसर आ रहा है जीरो, फाइव पुट करने से आंसर आ रहा है जीरो, जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, जीरो वन के दरमियान तमाम नंबर आ रहे हैं। बेसिकली समझने की जरूरत ये है कि इसमें जब वैल्यूज पुट आउट होंगी, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे ना आप, तो नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आएगी। जब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो रेंज फिर क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी, ठीक है जीरो भी आ सकता है इनफिनिटी भी आ सकता है, लेकिन मतलब इनफिनिटी तक तमाम वैल्यूज आ जाएंगी लेकिन जीरो से नेगेटिव लेस नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यही हमारा आंसर है, यही हमें हेल्प आउट करेगा आंसर लिखने में। तो आंसर लिखे फिर यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगी वो जीरो टू इंफिनिटी होगी और रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगी वो हमारे पास फाइव टू इंफिनिटी होगी। तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज यहाँ से फाइंड आउट कर ली किसकी, एफ इनवर्स की, फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एफ की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर लास्ट पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही।